तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में कि आज कौन से डिवाइसों के लिए रिलीज किए गए, इसके अलावा कौन से सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले। और गाइस, यहाँ पर MIUI 13 का अगेन एक और न्यू फीचर निकल के आया, कौन सा फीचर है उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, क्या उसमें नया देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले पोको डिवाइस के MIUI 12.5 अपडेट ट्रैकर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते रहना, अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है। तो चलो पहले सिस्टम अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर MI फिट का एक अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, इसके साथ साथ हेल्थ का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, MI म्यूजिक एप्लीकेशन का एक न्यू अपडेट मिल जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका भी एक न्यू अपडेट आ चुका है जो कि AMOLED डिवाइस में वर्क करता है, इसके साथ साथ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आज कुछ यही सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले थे। अगर आप लोग चाहते हो तो इसकी APK मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं बात करता हूँ अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो, MI 10 के लिए आज ग्लोबल में MIUI 12.5.2.0 का अपडेट रिलीज किया गया। जिनको नहीं मिला उनके लिए आप लोग चेक कर लेना, आप लोग को अपडेट मिल गया होगा, नहीं मिला तो इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा यहाँ पर Redmi 9A के लिए इंडिया में एक न्यू अपडेट देखने मिला है, MIUI 12.0.7.17.0 का अपडेट है। तो अगर आपके Redmi 9A का डिवाइस है जाकर चेक कर सकते हो, नहीं मिला तो 1 वीक का वेट करो, फिर से रिलीज हो जाएगा। Poco F2 Pro के लिए इंडोनेशिया में MIUI 12.5, Redmi 9C के लिए ग्लोबल में एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर Poco X2 के लिए इंडिया में MIUI 12.5 अपडेट रिलीज किया गया, जिनको नहीं देखने के लिए मिला था उनके लिए। तो कुछ कुछ यूजर को यहाँ पर डेली अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे, तो अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी डिवाइस है आप लोग डेली चेक करते रहा करो, आपके डिवाइस में कभी भी कोई भी न्यू अपडेट्स प्रोवाइड किया जा सकता है, कभी भी आपके डिवाइस में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर इंडिया में अपडेट देखने के मिला है MI 10 के लिए। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MI 10 के लिए इंडिया में भी अपडेट देखने मिला है, MIUI 12.5.2.0 का बिल्ड नंबर है और यहाँ पर ये अपडेट सभी यूजर को देखने के लिए मिला है। तो जिनको अभी तक नहीं मिला था MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट MI 10 के डिवाइस में, तो जाओ अभी जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक कर लो, आप लोग को ये अपडेट देखने के लिए मिला होगा। नहीं मिला तो इसकी भी लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट की लिंक वगैरह पाने के लिए। तो यहां पर MIUI 12.5.2.0 अपडेट के साथ सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, MIUI 12.5 के 1GB की साइज देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर ये अपडेट इंडिया में MI 10 यूजर को देखने के लिए मिला, तो जाकर चेकआउट जरूर कर। इसके साथ साथ Redmi 9C के लिए ग्लोबल में मैंने अभी आप लोगों को बताया MIUI 12.0.15.0 का अपडेट देखने के लिए मिलता है। इंडिया में काफी यूजर होंगे जिनके पास ग्लोबल वेरिएंट मिल जाता है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अब यहां पर मैं बात करने वाला MIUI 13 का एक फीचर निकल के आया, कौन सा फीचर है आप लोग देख सकते हो, एक फीचर निकल के आया जो कि MIUI 13 का है। यहां पर इस फीचर का नाम है मेमोरी एक्सटेंशन। जी हां, यहां पर ये MIUI 13 का फीचर है। अब देखते हैं क्या हमें ये फीचर अब इंडिया में देखने के लिए मिलेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहां पर बताया गया मेमोरी एक्सटेंशन इसको इनेबल करना होता है और यहां पर आपको ऐड 3GB ऑफ रैम बाय ऑक्यूपाइंग स्टोरेज, यूज दिस फीचर ओनली वेन देयर इनफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन योर डिवाइस। यानी कि यहाँ पर आपको 3GB रैम और बढ़कर देखने के लिए मिल जाएगी इस फीचर को इनेबल करने के बाद। आप पता नहीं कैसे 3GB आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगी, वो Xiaomi वाले बता सकते हैं, अपडेट आने के बाद पता चलेगा। अब देखना ये है कि जो MIUI 13 का ये जो फीचर है ये इंडिया में मिलेगा भी या फिर नहीं, तो ये फीचर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले Poco सीरीज के लिए MIUI 12.5 के अपडेट ट्रैकर के बारे में। यहाँ पर आप लोग को बता दूँ उससे पहले कि आप लोगों को पता है इंडिया में तो MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, भले कुछ डिवाइस को मिला लेकिन सभी डिवाइस को धीमे धीमे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर Poco के डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर Poco F2 Pro की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल में बेटा रिक्वायरमेंट चल रही है MIUI 12.5 की, इंडिया में बेटा रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर Poco X3 NFC की बात करूँ एक्सपेक्टेड इन अर्ली ऑगस्ट। जी हाँ गाइस, यहाँ पर Poco X3 के लिए अच्छी न्यूज है कि यहाँ पर आप लोग को ऑगस्ट के अर्ली में ही अपडेट देखने के लिए मिल सकता है MIUI 12.5 का, जो कि आप लोगों के लिए काफी बड़ी बात है। अब यहाँ पर दो डिवाइस देखने के मिलते हैं, एक Poco X3 NFC जो कि ग्लोबल साइड में मिलता है और Poco X3 इंडिया में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड इन अर्ली ऑगस्ट, इसका मतलब ये जो अपडेट है जो कि ऑगस्ट के स्टार्ट में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये अपडेट ग्लोबल साइड में देखने के लिए मिलेगा Poco X3 में। Poco X3 के जितने भी यूजर आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ग्लोबल वेरिएंट अगर आपके पास मिल जाएगा तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, आप लोगों को MIUI 12.5 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा इंडिया की, भाई इंडिया में ये अपडेट कब आएगा, इंडिया में काफी यूजर वेट करेंगे इस अपडेट को, जब ग्लोबल में अपडेट आ जाता है तो 15 दिन बाद वो अपडेट आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा।
पोको एक्स टू की बात करूँ तो स्टेबल अपडेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, भले कुछ यूजर को देखने के लिए मिला, सभी यूजर को अभी भी शायद नहीं मिला है। इंडिया में मेरे ख्याल से सभी यूजर को मिल चुका है, ग्लोबल में कुछ यूजर को देखने के लिए नहीं मिला है। पोको एम थ्री की बात करूँ तो बेटा रिक्वायरमेंट अभी भी चल रही है, यानी कि पोको एम थ्री में अभी भी MIUI 12.5 अपडेट की टेस्टिंग ही चल रही है। पोको एम टू, पोको एम टू प्रो, गाइज यहाँ पर कोई भी डिटेल निकल के नहीं आई है MIUI 12.5 अपडेट को लेके, फिलहाल के लिए यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। हालांकि कुछ न्यूज़ आई थी, मैंने आपको पहले ही 4 या 5 दिन पहले बताया था कि पोको M2 Pro में MIUI 12.5 अपडेट के साथ Android 11 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अर्ली अगस्त यानी कि अगस्त के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, अब देखते हैं यहाँ पर ही अपडेट पोको M2 Pro में कितनी जल्दी देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा इंतजार करो, आप लोग अगस्त के फर्स्ट वीक का आप लोग वेट कर लो, शायद आप लोग को अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, भले Android 11 अपडेट देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा पोको C3 के लिए कोई डिटेल नहीं है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अगस्त के बाद ही अपडेट मिलेगा। पोको X3 Pro के लिए रिलीज हो चुका है, पोको F3 में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा पोको M3 Pro जो कि 5G वेरिएंट है, इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है। तो यहाँ पर ये था पोको डिवाइसों के लिए MIUI 12.5 का अपडेट ट्रैकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग वेट करो गाइस, पोको के डिवाइसों में भी MIUI 12.5 के स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि जब पोको X2 में आ चुका है, पोको M3 Pro में आ चुका है, तो पोको X3 में भी बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फिर पोको M2 में भी देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करो, जल्द से जल्द अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर के मंथ तक सभी डिवाइसों में MIUI 12.5 का के अपडेट रोल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो यार इसको ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस कर दो, फ्री में होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना मिलते हैं।